हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बिलीव इन लर्निंग। आज हम लोग हमारे अकाउंट्स सब्जेक्ट के हमारे जो चैप्टर चल रहा था कंपनीज अकाउंट, उसके हम थर्ड पार्ट के ऊपर बात करेंगे। हम लोग ने हमारे लास्ट वीडियो में शेयर्स क्या होते हैं, ठीक, उसकी क्या थ्योरी थी पूरी, उसके जर्नल एंट्रीज क्या होती हैं, ठीक, उसके ऊपर हमने पूरी डिस्कशन किया था। अब हम बात करेंगे हमारा जो लास्ट टॉपिक रह गया था, हमारा प्रो राटा। क्या रह गया था? हमारा प्रो राटा रह गया था। आज हम उस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रो राटा क्या है हमारा? आपने थ्योरी पूरी पढ़ के रखी हुई है कि शेयर्स होते हैं क्या, है कंपनीज होती क्या है, उसके क्या टाइप्स होते हैं, इसमें कॉल्स इन एडवांस क्या होता है, कॉल्स इन एरियर क्या होता है, ठीक, ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, ये सारे टॉपिक्स को हम लोग ने हमारे कुछ प्रीवियस की जो लास्ट की जो हमारी दो वीडियोस थी अकाउंट की, उसमें हमने डिस्कस किया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक गिवन है, आप जाके वहाँ से उसको देख सकते हैं। क्योंकि अगर आप वो वीडियो देख लोगे, आपको पहले की स्टार्टिंग की चीज़ें क्लियर रहेंगी, तभी आप ये प्रो राटा समझ सकते हो, ठीक। अब देखिए प्रो राटा क्या होता है। प्रो राटा हमारा, पहली चीज़, ये हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन में आता है। कहाँ आता है? ओवर सब्सक्रिप्शन, ठीक। पहली चीज़ हमें पता चल गई, अगर कहीं पे भी किसी भी क्वेश्चन में कहीं पे भी ओवर सब्सक्रिप्शन हो रहा है तो वहाँ पे प्रो राटा अलॉटमेंट हो सकता है। अब देखिए प्रो राटा होता क्या है, एक एग्जांपल के हद से समझते हैं। एक कंपनी थी एक्स लिमिटेड, ठीक। ये जो कंपनी थी, इसने अपने शेयर्स को क्या किया, इशू किया। इन्होंने अपने शेयर्स को इशू किया, कितने शेयर्स इन्होंने इशू किए? 20,000 एट द रेट 10 रुपीज ईच। कितना इशू किया? 20,000 के शेयर्स थे, 10 रुपए के एक शेयर, ठीक, यानी कि 2,00,000 रुपए उन्होंने क्या किया, इशू किए। चलिए ठीक, इतनी चीजें हमको क्लियर। अब कंपनी के पास जो एप्लीकेशन आई ना, जो लोग इंटरेस्टेड थे, वो कितनी आई इनके पास एप्लीकेशन? एक्स लिमिटेड के पास एप्लीकेशन कितनी आई? एप्लीकेशन आई इनके पास 22,000 शेयर्स की। कितनी? 22,000 शेयर्स की एट द रेट 3 रुपीज ईच। इन्होंने ये जो 10 रुपये था, इसको कैसे मांगा था इन्होंने? इन्होंने इस 10 रुपए को 3, 2, 3, 2 कर दी। ये एप्लीकेशन पे, ये अलॉटमेंट पे, ये फर्स्ट कॉल और ये फाइनल कॉल पे। ये चीज तो आपको क्लियर, ठीक। जो एप्लीकेशन की मनी आया इनके पास, वो कितना आया इनके पास? 22,000 शेयर्स का आया। कितना? 22,000 शेयर्स का आया। यानी कि हमने इशू किया कितना, अब ध्यान दीजिएगा जरा, हमने इशू किया था सिर्फ इतना। मार्केट में हम प्रोडक्ट कितना लेके गए? सिर्फ 20,000, लेकिन लोग कितने खड़े हो गए? 22,000 लोग खड़े हो गए हमारे प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए। यानी कि एक्स्ट्रा कितना है? एक्स्ट्रा कितने हैं? 2,000। एक्स्ट्रा कितने हैं? 2,000। ये 2,000 जब एक्स्ट्रा है, ये क्या हो गया हमारा? ओवर सब्सक्रिप्शन। ये क्या हो गया हमारा? ओवर सब्सक्रिप्शन। अब एक्स लिमिटेड के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, एक्स लिमिटेड के जो बीओडी मींस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो हमारे एक्स लिमिटेड के कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, जब उनके पास ये इंफॉर्मेशन आई कि आपने जो 20,000 शेयर्स इशू किए थे, उसकी एप्लीकेशन आपको 22,000 रिसीव हुई है, तो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा कि अब हमारे पास, हम क्या करें? उन्होंने कहा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कहा और उनके पास ये आया कि हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं। कितने ऑप्शंस हैं? हमारे पास सिर्फ 3 ऑप्शंस हैं। वो 3 ऑप्शंस क्या? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास 3 ऑप्शंस रहे जब उन्होंने इस चीज के बारे में डिस्कशन किया, इस चीज की खोज की, तो समझ में आया कि इनके पास 3 ऑप्शंस है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास। क्या? पहला ऑप्शन क्या कि जो एक्स्ट्रा पैसा आया है, या तो वो उसको रिटर्न कर दें,
भाई अब हमारे पास प्रोडक्ट है नहीं अभी, तो हम कैसे दे सकते हैं? आपके आप किसी शॉप पे गए, ठीक, वहाँ पे आप मांग रहे हो कोई सामान, उनके पास वो प्रोडक्ट अभी अवेलेबल है ही नहीं, तो आप कैसे ले लोगे? पैसा वापस कर दोगे ना उनका? तो यहाँ पे यही हुआ कि जो 2000 एक्स्ट्रा लोग आए हैं, हमने 20,000 किया था, लेकिन 2000 एक्स्ट्रा लोगों ने जो हमें 3 रुपये का एप्लीकेशन का पैसा दिया है, उनके पैसों को हम क्या करें? रिटर्न कर दें। तो पहला ऑप्शन इनके पास आता है रिटर्न कर देने का, ठीक। फिर उसके बाद में कि भाई हम तो दे नहीं सकते, हम अलॉट कर नहीं सकते, सिर्फ 20,000 थे ही, आप ले जाओ अपने 2,000 जो भी लोग हैं जिन्होंने 2,000 एक्स्ट्रा फिल किया है एप्लीकेशन, उनको आप वापस कर दो उनके पैसे के साथ, रिटर्न विथ कैश। यहाँ पे लिख लीजिए रिटर्न विथ कैश, पहला। सेकंड क्या होता है कि अब उनके पास सेकंड ऑप्शन ये है कि वो ऐसा कर सकते हैं कि या तो फिर उनको पैसे की ज़रूरत है, कंपनी ने सोचा कि हम ऐसा करते हैं उनको रिटर्न कर देते हैं, यानी कि उनको वापस कर देते हैं कि आप जाओ घर, बाद में जब होगा तब हम आपको अलर्ट करेंगे, अभी हम नहीं कर सकते, तो उनको वापस लौटा दिया। अब जैसे कहीं पे होता है ना, आपका रजिस्टर एग्जांपल के साथ समझो, आप किसी कॉलेज में जाते हो तो एक कॉलेज में तो एडमिशन कराते नहीं हो, आफ्टर 12th आपको अगर कहीं कॉलेज वगैरह में कहीं पे भी एडमिशन, स्कूल में भी एडमिशन कराने जाओ तो एक जगह तो फॉर्म सबमिट करते नहीं हो, राइट, 3-4 जगह सबमिट करते हो, कहीं से भी निकल आए मेरा सीट है ना। तो उसी तरीके से अगर आपने मान लीजिए 3 जगह पे सबमिट किया, एक जगह से आपको मिल गया कि हाँ यहाँ पे है, बाकी 2 जगह वो आपके जो भी आपने एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया था उसका पैसा लौटाएंगे क्या? आपको नहीं लौटाएंगे ना, आपको खाली अगर नाम नहीं भी आया इन 3 जगहों पे, मान लीजिए आपका नाम नहीं आया, 3 कॉलेजेस में आपने अप्लाई किया और 3 कॉलेजेस में आपका नाम नहीं आया, आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म 2200 का सबमिट किया था, पे किया था, तो क्या अगर नाम नहीं आया तो क्या वो आपका पैसा वापस कर देंगे? नहीं, वो नहीं पैसा वापस करेंगे। तो यही सेकेंड ऑप्शन उनके पास ये भी आता है कि वो मतलब जो एप्लीकेशन एक्स्ट्रा मनी आई है वो आगे की कॉल्स में उनको एडजस्ट कर देंगे और फिर क्या करेंगे, जो लोग हैं उनको रिटर्न कर देंगे कि सॉरी हम नहीं अलॉट कर सकते, आपका पैसा आगे की कॉल्स में एडजस्ट हो गया है, बस बात खत्म। सो सेकेंड ऑप्शन क्या है? रिटर्न एंड एडजस्ट। या तो फिर यहाँ पे लिख लीजिए एडजस्ट इन अदर कॉल्स, ठीक है, यानी कि आप क्या करते हो, जो भी पैसा एप्लीकेशन मान लीजिए 2000 एक्स्ट्रा आया है ना, 3 × 2 = 6 कितने रुपीज आए हैं? 6,000 ज्यादा आपके पास पैसे आए हैं, ₹6,000 ज्यादा आए हैं, तो अब ये 6,000 को आप क्या करोगे? 6,000 को आपने क्या किया, आगे की कॉल्स में एडजस्ट कर दिया। अब वो आप एडजस्ट कैसे करोगे, जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो उसमें समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, आगे की कॉल्स में जैसे 2 वाले अलॉटमेंट है उसमें उन्होंने एडजस्ट कर दिया वो पैसा, ठीक, ये हो गया इनका सेकंड ऑप्शन। अब इनके पास जो थर्ड ऑप्शन बचता है वो बोथ होते हैं, बोथ 1 और 2, मतलब वो या तो फिर ऐसा कर सकते हैं, इनके पास बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास थर्ड ऑप्शन ये बचता है, या तो ऐसा करें जो पैसा एक्स्ट्रा आया है उसमें का आधा पैसा हम आगे एडजस्ट कर दें और आधा पैसा लोगों को रिटर्न कर दें, ये भी कर सकते हैं लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यानी कि प्रो राटा में आपको ये समझ में आया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास 3 ऑप्शंस होते हैं, जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन होगा तो उसमें हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास 3 ऑप्शंस आएंगे। वो 3 ऑप्शंस क्या हैं? फर्स्ट ऑप्शन रहता है रिटर्न विद कैश, यानी कि जो भी पैसा आया है उसको उनके पैसों के साथ रिटर्न कर देना, ठीक। फिर सेकेंड ऑप्शन आता है एडजस्ट इन अदर कॉल्स, एडजस्ट इन अदर कॉल्स मतलब जो एक्स्ट्रा पैसा है हमने उन लोग को अलॉट तो नहीं किया,
अलॉटमेंट अलॉट तो नहीं किया, हमने बोला तो नहीं कि आपकी सीट्स आपको मिल गई हैं, भाई सीट्स हैं ही नहीं तो हम कहाँ से आपको दें। लेकिन आपने जो पैसा सबमिट किया है वो हम आगे की कॉल्स में एडजस्ट कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा एडजस्ट इन अदर कॉल्स। फिर सेकेंड जो नेक्स्ट है, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी कि थर्ड वाली सिचुएशन अगर अप्लाई हो रही है तो थर्ड वाली सिचुएशन में ये भी हो सकता है 30, 20, 50 जो भी जितना भी परसेंट आया है ना उतना आप क्या कर सकते हो, आधा अमाउंट आपने आगे की कॉल्स में एडजस्ट कर दिया और आधा अमाउंट आपने रिटर्न कर दिया। ये तीन सिचुएशंस आती हैं आपकी। इतनी बात आप लोग को क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करते हैं हमारे इम्पॉर्टेंट टर्म्स पर। देखिए पहली चीज़, जब आप लोग क्वेश्चन करोगे तब आपको वो चीज़ क्लियर होगी, बट एक चीज़ और है कि जब भी प्रोराटा की सिचुएशन आती है आप हमेशा, या चाहो तो अगर आप नोट करना चाहो तो नोट भी कर सकते हो, हम हमेशा उतने ही इशू कर सकते हैं, उतने ही अलॉट कर सकते हैं जितने हमने इशू किए हैं। अगर मैंने इशू 20,000 किए हैं तो मैं इससे ज़्यादा नहीं कर सकती, इससे ज़्यादा अलॉट नहीं कर सकती। सिर्फ मेरे पास तीन ही ऑप्शन बचेंगे, या तो रिटर्न कर दो, या तो उनका पैसा आगे एडजस्ट कर दो, उनको वापस कर दो, ठीक, और दूसरा ये दोनों ही अप्लाई कर लो, ठीक है। अगर 20,000 है तो मैं 20,000 ही इशू वो अलॉट करूँगी, उससे ज़्यादा मैं नहीं किसी को भी अलॉट कर सकती। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, यही चीज़ फिर आगे आपको हेल्प करेगी आपके क्वेश्चंस में। सो ये था आपका प्रोराटा क्या होता है, ठीक। प्रोराटा बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन हाँ बस इतना है कि प्रोराटा हमारा पहली चीज़ ओवर सब्सक्रिप्शन में आता है। ओवर सब्सक्रिप्शन में आने के बाद हमारे डायरेक्टर्स के पास सेकेंड पॉइंट, डायरेक्टर्स के पास तीन ऑप्शन होते हैं, उन तीन ऑप्शन में वो कोई भी एक ऑप्शन अप्लाई करता है अपने क्वेश्चन में या अपने सिचुएशन पर, ठीक है। और थर्ड चीज़ ये कि हमने जितने इशू किए हैं हम उतने ही अलॉट कर सकते हैं, उससे 1% ज़्यादा अलॉट नहीं करेंगे, ठीक है। सो ये था हमारा प्रोराटा। आई विश आप लोग को ये पूरा क्लियर हो गया होगा। हम लोगों ने पूरी थ्योरी इस कंपनीज अकाउंट शेयर्स की पूरी थ्योरी कवर कर ली है। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में इसके कुछ न्यूमेरिकल्स पर बात करेंगे, ओके। ऐसे ही हमारी गूगल मीट पर लाइव क्लासेस चलती हैं जहाँ पर हम आप लोगों का पूरा कोर्स कवर अप करा रहे हैं। अभी हमारा न्यू बैच चल भी रहा है जहाँ पे वो लोग स्टार्टिंग से अपना कोर्स कवर कर रहे हैं। सो अभी आप लोगों के पास एक चांस है अपना पूरा कोर्स कवर करने के लिए। अगर आप चाहते हो अपना कोर्स कवर करना और कोर्स में अपने अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो तो जल्दी से जाओ, अपना रजिस्ट्रेशन कराओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।